नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी और मैं हूं आपके साथ एकता। मैं लेकर आई हूं बॉलीवुड की कुछ लेटेस्ट अपडेट। शाहरुख खान का मन्नत किसी टूरिस्ट प्लेस से अब कम तो नहीं है। लोग शायद ही मुंबई जाते होंगे और मन्नत घूमने के लिए नहीं जाते होंगे। सुपरस्टार शाहरुख खान का घर दुनिया की सबसे शानदार घरों की लिस्ट में शुमार है। लोग शाहरुख की मन्नत के नेम प्लेट के सामने खड़े होकर सिर्फ एक तस्वीर लेने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। तो जरा सोचिए, अगर मन्नत में रेंट पर एक कमरा रहने को मिल जाए तो आपका इस पर क्या रिएक्शन होगा। दरअसल ऐसा हो सकता है क्योंकि शाहरुख ने अपने इंटरव्यू में अपने घर को रेंट पर लगाने को लेकर कुछ बातें कही थी जो अब एक बार फिर से सामने आ रही है। इसके साथ ही आज हम आपको शाहरुख खान के घर के एक कमरे के किराए की कीमत भी इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। तो कितनी है रूम की रेंट, जानते समझते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल करीब 200 करोड़ की कीमत से बनी मन्नत में अगर आप एक कमरा भी किराए पर लेना चाहे तो इसके लिए आपको सालों की कमाई शाहरुख खान को देनी होगी। इस कीमत का खुलासा खुद किंग खान ने किया है। साल 2020 में शाहरुख खान ने ट्विटर पर एक आस्क एसआरके सेशन रखा था जिसमें कई फैंस ने किंग खान के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े सवाल पूछे थे। वहीं एक यूजर ने सवाल पूछा था कि सर, मन्नत में एक रूम रेंट पे चाहिए, कितने का पड़ेगा। वही सवाल अजीब है, लेकिन शाहरुख खान ने इसका ऐसा जवाब दिया जो कि वायरल हो गया था। और वही शाहरुख खान ने अपने ट्वीट कर लिखा था, 30 साल की मेहनत में पड़ेगा। वहीं इसी एक लाइन के जवाब में किंग खान ने सब कुछ कह दिया था। शाहरुख ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मन्नत सिर्फ घर नहीं है बल्कि उनके सपनों का ताबीर है। शाहरुख ने 2001 में 13.32 करोड़ में मन्नत को लीज पर खरीदा था और आज इस बंगले की कीमत लगभग 200 करोड़ रुपए की बताई जाती है। वेल, आपको मन्नत का कीमत सुनकर कितना बड़ा शॉक लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वेल, अभी की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं एकता त्रिपाठी पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।